साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना। हाथ से जब हाथ मिलते हैं तो जीवन कैसा खुशहाल बन सकता है, इसकी मिसाल है मध्य प्रदेश की सागर तहसील में बसा बिना गांव। पिछले कुछ सालों में बिना और आसपास के गांवों में खुशहाली की एक लहर सी दौड़ गई है, क्योंकि उन्हें अपनी जन्मस्थली में ही रोजगार के सुनहरे मौके मिले हैं, तरक्की के संसाधनों का इंतजाम हुआ है, चिकित्सा की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और उनके बच्चों को शिक्षा के सारे सुअवसर प्रदान किए गए हैं। अपनी जमीन से जुड़े रहकर भी तरक्की और तकनीक के हर अवसर से जुड़े रहने का मौका दिया गया है। यहाँ कुछ ही वर्षों में आसपास के ग्रामीणों और रहवासियों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है, और ये सब कुछ हुआ चंद वर्षों में। ग्रामीणों की उत्कट इच्छा और भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड की मदद के साथ BORL की तरफ से जो भी ग्रामीण क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, और युवाओं के लिए विशेष तौर पे जो पहले रोजगार की तलाश में बाहर जाते थे, आज लगभग अधिकांश युवाओं के लिए उनके घर में रोजगार उपलब्ध है। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड भारत की प्रतिष्ठित कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL और ओमान की ओमान ऑयल कंपनी के बीच जॉइंट वेंचर है। 6 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली ये रिफाइनरी मई 2011 में देश को समर्पित की गई थी। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड यानी BORL की क्षमता 6 मिलियन टन कच्चा तेल वार्षिक या 1,20,000 बैरल प्रतिदिन है। आज की तारीख में BORL की क्षमता यूरो 3 और यूरो 4 तैलीय पदार्थ उत्पादन करने की है। नाम मात्र के निवेश से BORL यूरो 5 तैलीय पदार्थ उत्पादन करने की क्षमता रखता है। BORL की औद्योगिक सामाजिक जिम्मेदारियां सामान्य रूप से 5 भागों में विभाजित हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के आधार स्तंभ, पर्यावरण और श्रम कल्याण। शिक्षा। BORL बिना एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वस्थ व शिक्षित समाज के सर्वांगीण एवं बहुमुखी विकास हेतु निरंतर कार्यरत है। इस संकल्प को पूरा करने हेतु BORL द्वारा शिक्षण एवं कंप्यूटरीकरण हेतु निम्न योजनाएं आसपास के गांवों में संचालित हैं, जिनसे हजारों ग्रामीण बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया जा रहा है। यहाँ लगभग लगभग स्टूडेंट की संख्या है 250 से लेकर 300, 350 की लगभग है, और यहाँ जो आसपास के जो गांव है वहाँ से सभी गांव से बच्चे लोग 8वीं के बाद यहाँ पर पढ़ने आते हैं, क्योंकि आसपास कहीं भी हाई स्कूल नहीं, इस कारण सभी लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं। जब से थोड़ा यहाँ रिफाइनरी आई है और यहाँ इनों के सहयोग से यहाँ थोड़ा सा अपना क्या नहीं एजुकेशन का जो माहौल है थोड़ा अच्छा हुआ है। मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना के अंतर्गत 60% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को निम्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिनमें कक्षा 8वीं के ए ग्रेड के छात्र छात्राओं को 4,200 एवं बी ग्रेड के छात्र छात्राओं को 3,600 रुपए की राशि एवं 10वीं में 60 से 75% पाने वाले छात्र छात्राओं को 5,400 एवं 75% से ऊपर पाने वाले छात्र छात्राओं को 6,000 तथा 12वीं कक्षा में 60 से 75% अंक पाने वाले छात्र छात्राओं के लिए 6,000 रुपए एवं 75% से ऊपर पाने वाले छात्र छात्राओं को 7,200 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। वर्ष 2012-2013 में 131 विद्यार्थियों एवं 2013-2014 में 296 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2012-2013 में लगभग 5 लाख रुपए व 2013-2014
2014 में लगभग 12 लाख रुपए BORL द्वारा खर्च किए गए हैं। शिक्षा आपके द्वार। BORL द्वारा संचालित शिक्षा आपके द्वार के अंतर्गत गांव के ही पढ़े लिखे नवयुवकों द्वारा बच्चों को उनकी पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें 2 घंटे पढ़ाया जाता है। ये योजना बीना नगर की गैर सरकारी संस्था द्वारा आसपास के 15 गांवों में चलाई जा रही है। अब तक इस योजना के तहत BORL द्वारा लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शिक्षा आपके द्वार के अंतर्गत 40 छात्र छात्राओं को नवोदय स्कूल में प्रवेश हेतु फॉर्म भरवाए गए एवं पुस्तकें भी वितरित की गई। BORL द्वारा बच्चों की इस दिशा में तैयारी भी करवाई जा रही है। शिक्षा आपके द्वार के अंतर्गत BORL द्वारा आसपास के गांवों के लगभग 10 बच्चों के 10वीं एवं 12वीं के फॉर्म भरवाए गए। ये बच्चे लगभग 2 से 3 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके थे। BORL द्वारा आसपास के गांवों में सामान्य ज्ञान एवं कला प्रतियोगिता का आयोजन समय समय पर किया जाता है। BORL द्वारा आसपास के गांवों के कुछ स्कूलों में बच्चों के खेलने के लिए खेल सामग्री भी प्रदान की गई है। कंप्यूटर शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा के महत्व को समझते हुए BORL द्वारा रिफाइनरी के आसपास के 14 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। भारत ओमान रिफाइनरी एवं हमारी संस्था अन्य सेवा समिति के माध्यम से हमने ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर सके। इस योजना अंतर्गत हमने ग्रामों के उन स्टूडेंट्स को लिया जो कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी साक्षर नहीं थे। यह योजना हमने कक्षा 6 के बच्चों से लेकर कक्षा 10 के बच्चों तक शुरू की है। रिफाइनरी के आसपास के स्कूलों में बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था के लिए BORL द्वारा 2013 में 150 डेस्क बेंच दी गई हैं तथा वर्ष 2014 में लगभग 300 बेंच देने का कार्य चल रहा है। बच्चों के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु BORL द्वारा 2013 में आसपास के गांवों के स्कूलों में लगभग 2500 स्कूल बैग एवं कॉपी, पेंसिल, रबर आदि बांटे गए। BORL प्रांगण में प्राथमिक शिक्षा से 12वीं तक की स्कूल संचालित है। ये स्कूल DAV संस्था द्वारा चलाई जा रही है। वर्तमान में इस स्कूल में कुल 542 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें 2 बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सेवा योजना। इस योजना के तहत BORL के आसपास के गांवों के वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, उनका BORL के अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है तथा मुफ्त दवाइयां भी वितरित की जाती हैं। अब तक लगभग 3000 वरिष्ठ नागरिकों का इस प्रकार इलाज किया जा चुका है। जननी सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत BORL के आसपास के गांवों की गर्भवती महिलाओं का BORL के अस्पताल में चेकअप से लेकर बच्चा होने तक बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। अब तक लगभग 40 गर्भवती महिलाओं का प्रसव BORL के अस्पताल में हो चुका है। बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा योजना। बच्चों की स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत BORL के आसपास के गांवों के 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों का भी BORL के अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। अब तक बीना एवं आसपास के गांवों के लगभग 1000 बच्चों का इलाज किया जा चुका है। गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा योजना। इस योजना के अंतर्गत BORL के आसपास के गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का BORL के अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। अब तक लगभग 200 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। जटिल बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए
स्वास्थ्य सेवा योजना। इस योजना के अंतर्गत BORL के आसपास के गांवों में जटिल बीमारियों से ग्रसित लगभग 200 मरीजों का चेकअप एवं इलाज भोपाल से बुलाए गए 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया गया एवं दवाइयां भी वितरित की गई। उनमें से लगभग 40 मरीज ऐसे चिन्हित हुए जिन्हें BORL द्वारा भोपाल ले जाया जाएगा। संजीवनी प्रोजेक्ट। इस योजना के अंतर्गत BORL के आसपास के गांवों में कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के लिए निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं BORL द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 200 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच हो चुकी है। जांच के दौरान 4 बच्चे ऐसे मिले जिनके दिल में छेद था। BORL द्वारा तुरंत उन बच्चों का उपचार हामिदिया अस्पताल भोपाल में करवाया गया तथा एक बच्चे का ऑपरेशन भी मुख्यमंत्री हृदय उपचार योजना के तहत करवाया गया। अब तक 200 बच्चों में से लगभग 35 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत कुपोषण का कलंक मिट पाया है। कई गांव कुपोषण से मुक्ति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पर्यावरण, स्कूल स्वच्छता अभियान। इस योजना के अंतर्गत BORL के आसपास के गांवों के सभी स्कूलों में बना पैखाना एवं स्कूलों की सफाई BORL द्वारा सप्ताह में 2 बार की जाती है। ग्राम स्वच्छता अभियान। इस योजना के अंतर्गत आसपास के गांवों में BORL द्वारा सप्ताह में 1 बार सफाई करवाई जाती है। सफाई के साथ साथ गांवों में बनी नालियों को भी साफ करवाया जाता है तथा कूड़े को गांव के बाहर डालकर जला दिया जाता है एवं सफाई के बाद दवाइयां भी डाली जाती हैं जिससे गांवों में रोग न हो। ऑपरेशन वरुण योजना। गर्मियों में अधिकांश हैंडपंप व नदियों का पानी सूख जाता है व पानी का लेवल नीचे चला जाता है। इस परेशानी को देखते हुए BORL द्वारा ऑपरेशन वरुण योजना चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत आसपास के गांवों में हैंडपंप के पास लगभग 50 सोक पिट बनवाए गए जिससे पानी का लेवल नीचे न जाए। वर्मी कंपोस्ट। BORL आसपास के गांवों के किसानों के हित के लिए जैविक खाद बनवाने का प्रयास कर रहा है। BORL द्वारा आसपास के गांवों में समूह बनाकर प्रत्येक समूह को जैविक खाद बनाने का पूरा किट प्रदान किया गया है। इस किट की सहायता से किसान जैविक खाद तैयार करके उसे बाजार में बेच सकता है या अपने खेतों में प्रयोग कर सकता है। श्रम कल्याण। BORL द्वारा आसपास के गांवों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रम कल्याण एवं कौशल विकास केंद्र की सहायता से ग्राम पार में एक सिलाई सेंटर स्थापित करवाया गया जहां पर आसपास के गांवों की महिलाएं आकर सिलाई सीखती हैं। अब तक लगभग 65 महिलाएं पूर्ण रूप से सिलाई सीख चुकी हैं। BORL ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिना विधायक को 25 सिलाई मशीनें दी जिससे महिलाएं सशक्त बन सकें। विकास के आधार स्तंभ। ठंड को देखते हुए 2013 में BORL द्वारा आसपास के गांवों व बीना में लगभग 1000 कंबल वितरित किए गए। वर्ष 2014 में BORL द्वारा आसपास के गांवों व बीना में लगभग 2000 कंबलों का वितरण किया जाएगा। अभी तक लगभग 500 कंबलों का वितरण किया जा चुका है। BORL द्वारा आसपास के सभी गांवों में 16 नलकूप का खनन करवाया गया। ग्राम भौकरे एवं ग्राम देहरी में पाइपलाइन भी डलवाई जा रही है। BORL द्वारा 2 दिन के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान बीना में चलाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200 वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया और सुरक्षा के नारे के साथ 4000 सड़क सुरक्षा के नियमों के स्टिकर वाहन चालकों एवं स्कूल के बच्चों को वितरित किए गए। BORL द्वारा समाज के विकास में किए गए अन्य कार्य निम्नानुसार हैं। BORL द्वारा
बिना न्यायालय परिसर में एक पार्क को विकसित किया गया। वृक्षारोपण के साथ 15 ट्री गार्ड भी प्रदान किए गए और 13 बेंचें प्रदान की गईं। बीना में नवरात्रि में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। बीना स्टेशन के कोयला उतरने के क्षेत्र के आसपास कोयले की धूल के प्रसार को रोकने के लिए ग्रीन मैट लगाई गई। 15 से 18 फरवरी 2013 के बीच हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम सागर महोत्सव 13 के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। उत्कृष्ट विद्यालय बीना में पौधों की सुरक्षा के लिए BORL द्वारा 25 ट्री गार्ड प्रदान किए गए। BORL द्वारा वृक्षारोपण अभियान तांडा, बेरखड़ी और आगासौद गांव में किया गया। बीना में लगभग 50,000 पौधों का वितरण किया गया तथा बम्भोरी केला एवं ढिमरोली गांव के नर्सरी को भी विकसित किया गया। देहरी एवं पार गांव की स्कूलों में लगभग 100 वृक्ष का रोपण ट्री गार्ड के साथ किया गया। BORL द्वारा बीना नगर पालिका को पार्क के विकास के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा बीना प्रेस क्लब को विकास के लिए 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, अगर इस तरह चहुमुखी प्रगति हो तो कोई भी समाज खुशहाल ही होगा। खुशहाल बना है वर्तमान, खुशहाल होगा भविष्य। BORL के साथ साथ सोया शरबती की जमी पर तेल उद्योग का पर्व नया, एमपी अनोखा युग है रच रहा और बिना हमें स्वर्ग सज रहा। करे मुश्किल आसान, जिगर ऐसा कहां, ढूंढ लो धरती आसमान। BORL का नया जहां, BORL का नया जहां। तूफा कहीं देखे, सैकड़ों रोडे देखे राह के, तपती धूप बारिश के थपेड़े, निराशा के घोर अंधेरे, मेहनत से फिर लाए उजाले, उलझन में मिलकर राह निकाले। अरे मुश्किल आसान, जिगर ऐसा कहां, ढूंढ लो धरती आसमान। लोगों में ही छिपी है हमारी ये शक्ति, वादा है सबकी होगी उन्नति। पारदर्शी हम, ईमानदार हम, हर काम में जिम्मेदार हम। राह पर है हम राह दिखाए, एमपी का हर दम हाथ बटाए। अरे मुश्किल आसान, जिगर ऐसा कहां, ढूंढ लो धरती आसमान।
कदम BORL पर करें अभिमान हम अभिमान।